आज मैं आपको बताऊंगा बिटवीन, अमंग, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, इन और विदिन को आप कैसे यूज करोगे रोज की बोलचाल में। ये प्रीपोजिशंस के ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैंने पार्ट वन में आपको एट, इन, ऑन, इन टू को यूज़ करने का तरीका बताया था। अगर आपने पार्ट वन वाली क्लास अटेंड नहीं की तो ज़रूर अटेंड कर लीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब होता है के बीच में, बस अंतर ये होता है दो के लिए आपको बिटवीन का यूज़ करना है और दो से ज़्यादा के लिए आपको अमंग का यूज़ करना। जैसे मेरे चाचा जी ने अपने दो बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टीज़ को बांट दिया। माई चाचा जी डिवाइडेड, मतलब माई अंकल जी डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज़ बिटवीन हिज टू सन्स। अब देखो यहाँ पर टू सन्स है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हुआ, ठीक है। रोहित और राजू के बीच में दोस्ती नहीं है। देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन रोहित एंड राजू। देखिए दो वर्ड है, रोहित एंड राजू मतलब दो नाम है, इसके साथ में बिटवीन का यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। अब देखिए अमंग का यूज़ आप कैसे करोगे, दो से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो, नंबर साफ साफ, या आपको लग रहा है कि भीड़ है कोई, तो आपको अमंग का यूज़ करना। जैसे मैं हर संडे को बच्चों में टॉफियाँ बांटता हूँ। आई डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन एवरी संडे। अब देखो अमंग द चिल्ड्रन, अब बच्चों में, अमंग द चिल्ड्रन, अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये दो नहीं है, दो से बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन एवरी संडे, ठीक है। मेरे चाचा जी ने अपने तीनों बेटों के बीच में अपनी संपत्तियों को बांट दिया। माय अंकल जी डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टीज अमंग हिज थ्री सन्स। अब देखो तीनों सन्स मतलब तीनों बच्चों के बीच में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को बांट दिया, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। बिटवीन का यूज दो के साथ और अमंग का यूज दो से ज्यादा के साथ, ठीक है। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दस भी हो सकता है और पचास भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो है तो बिटवीन और दो से ज्यादा है तो अमंग, इसका हिंदी मीनिंग होगा के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बिलो और अंडर को आप कैसे यूज करोगे रोज की बोलचाल में। देखिए दोनों का मतलब होता है के नीचे। कई बार आप देखोगे कि एक दूसरे के सिनोनिम्स के तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, बस चीज़ों को आप समझिए। अब अंडर का यूज़ करते हो तो आपको फिजिकल कांटेक्ट देखने को मिलता है, और बिलो का यूज़ करते हो तो फिजिकल कांटेक्ट देखने को आपको नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी किताब तकिए के नीचे रखा। आई पुट माई बुक अंडर द पिलो। इस सिचुएशन में मैंने अंडर का यूज़ किया। मैंने अपना बैग अलमारी के नीचे रखा। आई प्लेस्ड माई बैग बिलो द अलमीरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिलो का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने अंडर का यूज़ किया। बात समझ में आ रही आपको। चलिए अब समझिए, अंडर का यूज़ जो होता है आप जूनियर के अर्थ में भी करते हो। जैसे ही इज़ वर्किंग अंडर मी, ठीक है, आपने अंडर का यूज़ इस तरीके से भी करना है, ही इज़ वर्किंग अंडर मी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा पेड़ के नीचे कोई बैठा होता हो या छत के नीचे कोई बैठा होता हो, तो यहाँ पर भी अंडर का यूज़ हो जाता है। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ही वॉज सिटिंग अंडर द रूफ, ठीक है, इस तरीके से भी अंडर का यूज़ हो जाता है। अब देखिए बिलो का यूज़ कुछ इस तरीके से भी किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के शान के खिलाफ कोई बात हो जाए तो वो बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी, इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी टू बेग फॉर मर्सी, मतलब ये उसके शान के खिलाफ है कि दया की भीख मांगे। इस तरीके से भी बिलो का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, मैं बुक की बार बार बात करता हूँ, आप बुक पढ़िए। बुक पढ़ेंगे आप तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें एक साथ आती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, यू कैन विन बुक रेकमेंड करता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जरूर परचेज करके उसको पढ़िए रोज 20 मिनट। इससे इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी, रीडिंग स्किल भी आपकी डेवलप होगी और साथ में माइंड सेट भी आपका बहुत अच्छा बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और बताता हूँ कि बिलो का यूज़ इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे मेरी सैलरी 10,000 से कम है, माई सैलरी इज़ बिलो 10K, आप कह सकते हो माई सैलरी इज़ बिलो 10K कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ यूजेस बताए बिलो के और अंडर के। देखिए यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, आप जब तक नहीं रीडिंग करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दो दो एग्जाम्पल्स, चार चार एग्जाम्पल से बस आपका माइंड सेट प्रिपेयर होगा, बाकी आपको आगे रीडिंग करते रहना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अबव एंड ओवर को कैसे आप यूज़ करोगे रोज की बोलचाल में। देखिए अबव एंड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ से ऊपर, ठीक है। जैसे हमें कहना है कि पक्षी हमारे सर के ऊपर उड़ रहे हैं तो हम कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर या अबव आवर हेड्स। यहाँ पर अबव
या ओवर, दोनों में से कोई भी एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अगर कहना है कि तिरंगा हमारे सर के ऊपर लहराते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, द फ्लैग्स आर वेव्ड ओवर या अबव आवर हेड्स। ठीक है, ओवर या अबव आवर हेड्स। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर उड़ता है, द हेलीकॉप्टर फ्लाइज या द हेलीकॉप्टर होवर्स ओवर या अबव आवर हेड्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ओवर या अबव का यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके और भी यूजेस हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी सैलरी 20,000 रुपये से ऊपर है, ही अर्न्स अबव 20,000। देखिए, ही अर्न्स अबव 20,000, यहाँ पे ऊपर के लिए 20,000 से ऊपर के लिए अबव वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया है। अगर मैंने कम वर्ड का अगर यहाँ पर यूज़ करना है हमें, तो हम लोग बिलो का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी सैलरी 20,000 से कम है, ही अर्न्स बिलो 20K, इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ सकता है। अच्छा, कई बार आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा कि आप किसी से एड्रेस पूछते हो और उसने आपको एड्रेस मैसेज पर भेज दिया है, तो वो आपको कहता है कि रीड अबव या फॉर डिटेल रीड अबव। ये अबव का मतलब वो क्या होता है, ऊपर, मतलब ऊपर जो बातें लिखी है उसको पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से अबव का आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, ओवर का यूज़ कुछ और डिफरेंट तरह से किया जा सकता है। जैसे हमने बातें की खाने पर, या रात के भोजन करते समय हमने बातें की, वी हैड डिस्कस्ड ओवर द लंच, वी हैड डिस्कस्ड ओवर द लंच, हमने दोपहर के भोजन पर बातें की, वी हैड डिस्कस्ड ओवर द लंच, लंच पर डिसीजन लिया गया, द डिसीजन वॉज टेकन ओवर द लंच, लंच पर डिसीजन लिया गया। ठीक है, अच्छा, ओवर का यूज़ कई बार किसी चीज़ के ऊपर बताने के लिए भी होता है। जैसे राजू ने बॉडी के ऊपर में कंबल ढका, राजू पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बॉडी। अब यहाँ पर बॉडी के ऊपर के लिए यहाँ पर ओवर का यूज हुआ। ठीक है, ओवर का यूज दोनों तरफ के लिए भी होता है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रोड, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रोड, मतलब रोड के दोनों तरफ क्या है, ब्रिज है। ठीक है, अच्छा, ओवर का यूज उस पार के, उस पार के लिए भी होता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लीव्स ओवर द माउंटेन, मतलब मेरे दोस्तों में से एक पहाड़ के पीछे रहता है, पहाड़ के उस पार रहता है। ठीक है, इस तरीके से भी ओवर का यूज आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको इन और विद इन का यूज बताता हूँ कि इन और विद इन को आप कैसे यूज करोगे। इन का मतलब होता है मैं, और विद इन का मतलब होता है के अंदर, अंदर अंदर। जैसे मैं 2 घंटे में अपना काम पूरा कर लूंगा। ठीक है, आई विल कंप्लीट माई वर्क इन 2 आवर्स, या इन 2 डेज, या इन 7 डेज, या इन 1 मंथ। ठीक है, लेकिन जब मेरे को कहना अंदर ही अंदर, मतलब एक डेडलाइन के अंदर ही अंदर किसी काम को जब पूरा करना है, तो यहाँ पर विद इन का यूज़ करेंगे। मैं इस काम को 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लूँगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। मतलब यहाँ पर 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, मतलब 2 घंटे के अंदर होगा। ठीक है, 2 घंटे नहीं लगेंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर होगा। तो अंदर अंदर के लिए आपको विद इन का यूज़ करना है, और केवल मैं बोलना है आपको, तो आपको इनका यूज़ करना है। ठीक है, ये बात मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। अगली क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, उसमें प्रीपोजिशंस के कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वापस आपको मैं सजेशन दूंगा। पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवीजन कीजिए और रोज़ की बोलचाल में फॉलो कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्टेंट इस तरह से दूँ जिसकी ज़रूरत आपको रोज़ की बोलचाल में इंग्लिश बोलने के लिए पड़ती ही पड़ती है। बस अब आप कितनी जिम्मेदारी के साथ उन कंटेंट को कंज्यूम करके प्रैक्टिस करते हैं, इस बात से तय होगा कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश बोल पाओगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।